कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के बयान ने सूबे के पटवारियों को नाराज कर दिया है। हालात ये हैं कि मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बावजूद पटवारियों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी अब सीएम कमलनाथ को अपने मंत्रियों की लगाम खींच कर रखने का मशवरा दे रही है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। विधानसभा क्षेत्र राऊ के रंगवासा गांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने पटवारियों को लेकर एक बेबाक बयान दे डाला है। यही नहीं, मंत्री ने भ्रष्टाचार में लिप्त पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी ने पूरी की पूरी पटवारी बिरादरी को रिश्वतखोर कहकर सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जीतू के इस बयान से खफा राज्य के पटवारियों ने जीतू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय श्री जीतू पटवारी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा परसों दिनांक 28 सितम्बर 2019 को इंदौर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भरे मंच से पूरे प्रदेश के पटवारियों को 100% रिश्वतखोर घोषित किया। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि या तो मंत्री जी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे कि उन्होंने गलत कहा, और अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो हम लोगों को नौकरी से निकालें। माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग 3 दिन तक कैजुअल लीव लेकर के काम बंद कर रहे हैं। इस बीच में माफ़ी मांग लेते हैं ठीक है, नहीं मांगते हैं तो 3 तारीख से अनिश्चितकालीन कलम बंद हटाओ हम लोग करेंगे। पटवारियों को कटघरे में खड़ा करते मंत्री जी के इस बयान से पटवारी संघ नाराज है। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे पटवारी 2 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। तो वहीं जीतू के इस बयान ने विपक्ष को बोलने का एक और मौका दे दिया है। मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कल इंदौर में राऊ विधानसभा में एक आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री महोदय जी ने सारे कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने मध्य प्रदेश के पटवारियों को 100% रिश्वतखोर बता दिया। इस समय जबकि सारे प्रदेश में अतिवृष्टि का वातावरण है, सारे प्रदेश का किसान अन्नदाता परेशानी में है और परेशानी में उसके साथ केवल पटवारी खड़ा है। पटवारी घुटनों पानी में चल चल के उनकी फसलों का सर्वे कर रहा है। अभी हमने गिरदावरी के लिए पीएम किसान के कार्य किए और 24 घंटे 7 दिन हम किसान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे तकलीफदेह मौके पर माननीय मंत्री महोदय को पटवारी के साथ खड़े होना था, पटवारी के साथ हौसला अफजाई करना था, पटवारी का मनोबल बढ़ाना था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने क्यों कहा, किस लिए कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पटवारियों को सीधे रिश्वतखोर बना दिया और पूरे 100% पटवारियों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। यह आरोप बहुत ही तकलीफदेह है और मध्य प्रदेश पटवारी संघ इस आरोप की घोर आलोचना करता है और तीव्र भर्त्सना करता है। हालांकि अपने इस विवादित बयान के बाद जीतू पटवारी को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने ट्वीट कर बयान पर खेद जताया। जीतू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंदौर के एक ब्लॉक के पटवारियों की शिकायतें मिल रही थी, उसी के संदर्भ में मैंने बयान दिया था, न कि पूरे प्रदेश के पटवारियों के बारे में। मेरा भाव किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि जीतू पटवारी ने भले ही बयान पर खेद जताया है, लेकिन बीजेपी ने बयान पर हमला बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ को अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दी है। भ्रष्टाचार ऊपर से हो रहा है और नाम बदनाम केवल पटवारी का हो रहा है, ये सब धान 22 पसेरी नहीं करना चाहिए।
कोई व्यक्ति बेईमानी कर सकता है, लेकिन पूरी के पूरे वर्ग को कहना कि 100% ही भ्रष्ट है, ये राजस्व विभाग के अमले का, पटवारियों का अपमान है। हर व्यक्ति चोर नहीं है, हर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है। अब व्यक्ति का नाम लेके कहिए ना कि फलानी ने अगर गड़बड़ की उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, पूरी ये पूरी जमात को चोर कहना, भ्रष्ट कहना, ये उनका अपमान है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो वही कांग्रेस अपने मंत्री का बचाव करती नजर आई। मंत्री जीतू पटवारी की माफी मांगने के बाद कांग्रेस मामले को तूल न देने की बात कह रही है। कि जब जीतू पटवारी जी ने बतौर मंत्री क्षमा याचना कर ली हो और अपने शब्दों पर खेद रख दिया हो तो इस विषय में बातें स्वतः समाप्त हो जाती है। और हम ये नहीं कह रहे कि सबके सब भ्रष्ट हैं, पर इस बात में सत्यता जरूर है। तो पटवारी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासतौर से उस स्तर पर काम करते हैं जहाँ किसानों का, आम आदमी को लगता है, तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं और सशक्तता अधिक नजर आती है। और जब जीतू पटवारी जी ने क्षमा याचना कर ली तो मुझे लगता है कि उसको कांग्रेस पार्टी की क्षमा याचना तौर पर देखना चाहिए और प्रकरण को समाप्त करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मंत्रियों के बयान पर कर्मचारी लामबंद हुए हों। इससे पहले ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के बिजली कर्मचारियों को बिजली कटौती का जिम्मेदार बताने पर भी काफी हंगामा हुआ था और बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया था। ऐसे में एक बार फिर मंत्री के इस तरह के बयान ने प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर मामले को गर्मा दिया है। R9 TV के लिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।